चलिए बच्चे, अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्या क्या। अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्या बच्चे, सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब पहले बात करेंगे कि भाई कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम सॉल्व करना सीखेंगे और वो कौन कौन से मेथड्स हैं। तो सबसे पहले जो हम सीखेंगे कौन कौन से डिफरेंशियल इक्वेशंस, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस को, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम सोल्व करना सीखेंगे। मतलब कि जिनके पास फर्स्ट ऑर्डर और क्या होगा, फर्स्ट डिग्री होगा, मतलब उनके अंदर डबल हायर ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। जैसे मैं बात करूं सिंपल सी कोई इक्वेशंस लेता हूं, dy अपॉन में dx प्लस y इज इक्वल टू 0। हमें ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करना है, हमें ऐसी इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। या हमने कोई इक्वेशन ले ली dy अपॉन में dx प्लस 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमें ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करना है, उन्हीं इक्वेशंस को जिनके पास क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, मतलब जिनके पास हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी कितना चाहिए 1 बार, उसकी होल पावर भी कितनी होनी चाहिए 1, उन्हीं को हमें क्या करना है सोल्व करना है। सोल्व करके दो ही चीज आएंगी आपके पास, या तो जनरल सॉल्यूशन या पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व करते हैं तो कितने टाइप्स के सॉल्यूशन बनते हैं, दो टाइप्स के, जनरल सॉल्यूशन या पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व करेंगे तो हमारे पास दो ही टाइप्स के आएंगे, बट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी कौन सी, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम क्या करेंगे सोल्व करेंगे। ठीक है बच्चे, अब बात करते हैं इनके मेथड्स की। तो जो हमारे इनके मेथड्स होते हैं, मेथड्स वो हमारे तीन टाइप्स के मेथड्स होते हैं और तीनों के तीनों टाइप्स के हमारे सिलेबस में, कोई भी अभी 30% में नहीं कटा। ठीक है बच्चे, तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, फर्स्ट हमारा वेरिएबल सेपरेशन मेथड, वेरिएबल सेपरेशन मेथड। ठीक है बच्चे, मतलब वेरिएबल को हम क्या करेंगे सेपरेट, मतलब एक्स वाले एक तरफ और वाई वाले एक तरफ, उसी को हम बोलते हैं वेरिएबल सेपरेशन मेथड। ठीक है बच्चे, दूसरा हमारे पास क्या होगा, होमोजेनियस इक्वेशंस, मतलब पहले चेक करेंगे कि इक्वेशंस होमोजेनियस है या नहीं है, तो आपको बताऊंगा कि कौन सी इक्वेशंस होमोजेनियस होती हैं। तो अगर वो होमोजेनियस इक्वेशंस होंगी, बट होंगे क्या, वो होंगी क्या डिफरेंशियल इक्वेशन, तो मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक करेंगे कि वो क्या है, और फिर होमोजेनियस के मेथड से हम उसको क्या करेंगे सोल्व करेंगे। ठीक है मेरे बच्चे, नेक्स्ट है लीनियर डिफरेंशियल मेथड। तो हमारे पास तीन मेथड है, पहला क्या है वेरिएबल सेपरेशन मेथड, दूसरा क्या है होमोजेनियस इक्वेशन मेथड आप इसे कह सकते हैं, और तीसरा क्या है मेरे बच्चे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब कि कोई इक्वेशन अगर इसकी फॉर्म में dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q, दिस मेथड इज नोन एज द लीनियर डिफरेंशियल मेथड। तो तीन मेथड से हम किसी भी लीनियर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं। कौन सी इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री लीनियर इक्वेशंस को हम करेंगे, उनके मतलब उनके अंदर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं होगा। अब आप कहोगे कि भैया क्या सेकंड ऑर्डर को भी सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, बट वो हायर क्लासेस में आगे पढ़ेंगे। हमारे पास सिर्फ एक ही चीज है भी क्या, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सोल्व करना सीखेंगे। नंबर फर्स्ट किस मैथड से, फिर किससे फिर चैप्टर फिनिश। ठीक है बच्चे, इसको लिख लीजिए, फिर हम फर्स्ट उसकी बात करते हैं वेरिएबल सेपरेशन। चलिए बच्चे, अब हम बात करते हैं एक एक मेथड को आराम से सॉल्व करेंगे और फिर हम उनकी बात करेंगे। सबसे पहले हम मेथड ले रहे हैं वेरिएबल सेपरेशन मेथड। तो जैसे हम बात कर रहे हैं हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है dy अपॉन में dx प्लस x इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है बच्चे,
इस डिफरेंशियल इक्वेशन के दो ही सॉल्यूशन हो सकते हैं, ये चीज आपको पता है कि भाई या तो सॉल्यूशन वो जनरल होगा या सॉल्यूशन वो पर्टिकुलर होगा। अब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने जा रहे हैं, मतलब इसका सॉल्यूशन निकालने जा रहे हैं, ठीक है जी। तो अब हमने क्या किया, सबसे पहले dy अपॉन में dx इजिकल टू प्लस का x में जाके क्या हो गया माइनस x। अब क्या किया बच्चे हमने कि ये हमारे पास x dx तो x वाला पार्ट हुआ ना, और dy y वाला पार्ट हुआ, और dx को मैं इधर ले गया, तो dy इजिकल टू कितना है माइनस x dx। तो देखो y वाले एक तरफ पूरे पूरे और x वाले एक तरफ पूरे। अब क्या कर देंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन dy इज इक्वल टू माइनस x इंटीग्रेशन dx, दैट्स क्लियर। और dy के साथ यहां पर क्या हो सकता है 1, तो 1 का इंटीग्रेशन देखो किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूं y के, तो कितना हुआ y इज इक्वल टू माइनस x का कितना हुआ x स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस k c। अब बात आती है समझना बड़े ध्यान से, भैया कौन सा इंटीग्रेशन यूज कर रहा हूं पहले ये बताओ, इंडेफिनिट डेफिनिट इंडेफिनिट इंटीग्रल कर रहा हूं, इंडेफिनिट इंटीग्रल जब भी सोल्व करते तो प्लस का क्या आता है, तो भैया इधर क्यों नहीं आया, इधर ही क्यों आया प्लस का सी। बात आती है इधर ही क्यों, इधर क्यों नहीं आया, इधर ही आपने क्यों लगाया, बात समझना पड़े ध्यान से मैं क्या चीज कहना चाह रहा हूं। मैं आपसे कहूं कि अगर मैं कोई भी इंटीग्रल कर रहा हूं और मेरे पास आया सी वन प्लस सी टू, तो क्या इस पूरे को मैं ये नहीं कह सकता सी, सपोज करो इधर भी आया होगा बट मैं उसको किधर भी आया इधर, अब टोटल को पूरे टोटल को मैंने क्या बोल दिया सी कैपिटल सी बोल दिया, बात समझ में आ गई। तो इसलिए हम यही चीज पढ़ लेते हैं कि हमें सिर्फ आरएचएस साइड में क्या लगा देंगे सी लगा देंगे, इधर जो सी आया होगा वो इधर से लग गया। अब आप कहते भैया सपोज करो इधर सी आ जाता तो आप सी से सी नहीं काट सकते थे, अरे भाई जरूरी नहीं है ना, इधर सी आया हो क्या पता इधर फाइव आया हो, क्या पता इधर टू आया हो, थोड़ी कट जाएंगे, बात आ रही है में। तो या तो फिर इधर आप लिखेंगे सी वन, इधर क्या लिखेंगे सी टू, बट इसीलिए दोनों कंबाइन होकर क्या बन जाते हैं सी, इसलिए हम कौन सी साइड में लगाते हैं सिर्फ राइट हैंड साइड में, बात समझ में आ गई। तो इट इज ये क्या इसका, ये क्या इसका सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन, अभी तो जनरल सॉल्यूशन बता के आया था, जनरल सॉल्यूशन कौन से होते हैं। तो इसी तरीके से हम इक्वेशंस को क्या करते हैं सेपरेशन करते हैं। अभी और लेते हैं, अभी और क्वेश्चंस भी लेते हैं, एक और क्वेश्चन उठाते हैं, अभी हम एक क्वेश्चन और उठाते हैं, बड़े ध्यान से देखना बच्चे, ठीक है एक क्वेश्चन और उठाते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है dy अपॉन में dx इज इक्वल टू 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर, ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है जी, ये आपके पास क्वेश्चन है। अब इसका वेरिएबल सेपरेशन करते हैं, बड़े ध्यान से देखना बच्चे, तो x वाले एक तरफ y वाले एक तरफ, तो dy अपॉन में 1 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू dx अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर, इजिली वेरिएबल सेपरेशन हो गया, नहीं हो गया, हो गया। अब अगर आप इसे ये बोल सकते हैं, अब क्या करेंगे हम इंटीग्रेशन बोथ साइड। चलिए अब इधर ना बच्चों के दिमाग में एक चीज और आती है कि भैया इंटीग्रेशन क्यों करते हैं, आपको मैं फिर बता रहा हूं इंटीग्रेशन क्यों करते हैं। भाई मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि ये हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है मैं आपको फिर बता दे रहा हूं, यहां पर एक चीज आपको फिर बता रहा हूं कि भाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, या सपोज करो एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, ये कोई इक्वेशन है, और इसका अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 2x, और डी वाई अपॉन में डी एक्स माइनस के 2x इज इक्वल टू कितना आ गया, तो क्या बन के आई है, ये क्या बन के आई डिफरेंशियल इक्वेशन, ये किसकी बनी थी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये इसका क्या है मेरे पास इसका ये सॉल्यूशन। तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन निकालूंगा तो ये डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव से अगर मैं वापसी अगर वो फंक्शन बनाऊं तो मैं क्या करता हूं एंटी डेरिवेटिव, और एंटी डेरिवेटिव का मतलब हम उसका क्या करते हैं इंटीग्रेशन, इसीलिए मैं क्या यूज कर रहा हूं इंटीग्रेशन यूज करता हूं मैं क्या फाइंड करने के लिए सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, किसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं इंटीग्रेशन, हम इसीलिए यूज करते हैं। तो मतलब हर मेथड में होमोजेनियस मेथड में भी और आपका सॉरी वेरिएबल सेपरेशन में भी होमोजेनियस में भी और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस में भी क्या यूज होगा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन तो यूज होगा ही होगा, दैट्स क्लियर, बात समझ में आ गई। वेरिएबल सेपरेशन का पार्ट सिर्फ यहां तक का सेपरेट द वेरिएबल कर लिए, फिर क्या कर दिया
ऐसे होमोजेनियस तक का काम रहेगा, होमोजेनियस उसको दिखाना, फिर भी क्या करेंगे वहां भी इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए मेन रोल किसका है, इसलिए आपका इंटीग्रेशन इसके अंदर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बात समझ में आ गई, चलिए हम आगे, अब आगे बात करते हैं, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, क्यों इंटीग्रेशन करा ये चीज आपको पता चल गई। चलिए बच्चे अब समझना भाई बड़े ध्यान से, तो यहाँ पर फिर इंटीग्रेशन कर रहे हैं बहुत सारे इसका, तो इंटीग्रेशन वन अपॉन में वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो गया बच्चे डी एक्स, वन अपॉन में वन प्लस वाई स्क्वायर, जरा बताइए किसका डिफरेंशिएशन होता है, टेन इनवर्स वाई, क्योंकि अब तो वेरिएबल वाई का है, इज इक्वल टू कितना है बच्चे यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स, ये लगेगा ना, ये तो होता है वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस के सी। अब बोलो क्या करोगे, अब सोचो क्या प्रॉपर आ गई इक्वेशन, अभी कहाँ आया इक्वेशन, टेन इनवर्स की फॉर्म में आएगी, किसकी फॉर्म में आएगी, वाई इज इक्वल टू समथिंग की फॉर्म में आएगी, सोचो इसको आगे क्या कर सकते हैं, क्या हम इसको इधर लेके जाएंगे, नहीं लेके जाएंगे, क्या करेंगे, मैं बोलूं ठीक है, अभी इसको भी मैंने क्या लिख लिया टेन इनवर्स सी, क्या लिख लिया मैंने इसको टेन इनवर्स सी, बात समझ में आ गई बच्चे, अब ये कितना है टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला, बताइए क्या होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में वन माइनस एक्स वाई, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स प्लस के सी अपॉन में वन माइनस के एक्स सी, टेन इनवर्स से तो वाई इक्वल टू कितना आ गया एक्स प्लस सी अपॉन में वन माइनस एक्स, दैट्स क्लियर। तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में आवा, तो ये है इसका सोल्यूशन, डिफरेंशियल इक्वेशन इसका सॉल्यूशन ये है, यहीं पर अगर आप छोड़ते इसको हम, तो आपका हाफ या वन मार्क्स लूज होता है, बात समझ में आ गई मेरे बच्चे, क्योंकि जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो भी सॉल्यूशन होगा वो इन टर्म्स वाई या एक्स की टर्म में होगा, अभी तो बहुत सारी इक्वेशन बनेगी एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में और लॉगरिथम की फॉर्म में, इधर भी लोग आएगा इधर भी लोग और यहाँ सी, तो सी को क्या लिख दूंगा लोग सी, फिर लोग ए प्लस लोग बी की आइडेंटिटी, लोग से लोग कैंसिल, फिर आएगी प्रॉपर इक्वेशन, ठीक है बच्चे। अभी और हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, अभी उसके में देखते हैं, तो इनको दोनों क्वेश्चन को लिख लीजिए, अभी और क्वेश्चन देखते हैं वेरिएबल सेपरेशन।